हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए साइंस में VBI मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studybee.in, इस पर जाकर आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक आपका नीचे भी दिया गया है, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी एन में से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, क्या हो जाएगा आपका, सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या है आपका, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह जो होता है अवतल में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, क्या है आपका, तो क्या हो जाएगा दृष्टि पटल, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान नेत्र का दूरबिंदु है, समान नेत्र का दूरबिंदु क्या है आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है आपका, तो उसमें हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसका अर्थ जल है, निम्न में से किसका अर्थ जल है, क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है जल, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट कहलाता है, तो क्या हो जाएगा एक जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, घरों में विद्युत से दुर्घटना जो होती है किसके कारण होती है आपका, तो शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा जो है किसकी दिशा को संकेत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबिंग वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, ग्लोबिंग वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, तो CO2, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें हो जाएगा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो उसमें हो जाएगा आपका H2S, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि किसी अम्लीय विलयन का pH होता है, किसी अम्लीय विलयन का आपका pH होता है, तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या हो जाएगा इसमें आपका Na2CO3, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विभिन्न रूप है,
क्या हो जाएगा इसमें आपका CaCO3 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जठर रस का पीएच मान लगभग होता है, जठर रस का पीएच मान लगभग होता है, क्या हो जाएगा इसमें आपका 1.2, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका गैल्वनीकरण, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका KCl, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स सोडियम, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा इसमें आपका एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा C2H5OH, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका 7, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, क्या हो जाएगा इसमें आपका नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है, क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है, क्या हो जाएगा इसमें आपका अमीबा में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन जो है आपका एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है आपका, लीवर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, क्या हो जाएगा इसमें आपका ईस्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो इसमें हो जाएगा संवृत अंग, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा studybee.in, इस पर जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक आपका नीचे भी दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।